मित्रों, आप सभी का महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर से महादेवाय नमः। हम लोग आज प्रत्यय प्रकरण का 8वां भाग पढ़ेंगे, जो कृत कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तब्य तौरणीय। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग संपूर्ण संस्कृत की व्याकरण श्रृंखला पढ़ रहे हैं। ये 91 श्रृंखला है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। हम लोग प्रतिदिन सुबह 7 बजे ये पढ़ते हैं, चलते हैं, तब्य तौर अनियर प्रत्यय पढ़ते हैं। स्लाइड में आपको दिख रहा है तब्य, तब्य और अनियर प्रत्यय, तब्य तब्य और अनियर प्रत्यय। ये देखिए, ये तब्य तब्यानियरा, तब्य तब्यानियरा, नियरा नियरा, तब्य तब्य तब्यानियरा, तब्य तब्यानियरा। ये सूत्र है जो अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय के प्रथम पाद का 96वां सूत्र है। सूत्र में धातु के बाद तब्यत और अनियर प्रत्यय लगता है। इसी सूत्र से धातु के बाद तब्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। सूत्र है तब्य तब्यानियरा, तब्य तब्यानियरा। ये कहता है कि तब्यत में तकार का लोप होकर तब्य बचेगा, तब्यत में तकार का हलंतम से संज्ञा होकर इस संज्ञा होगा तस्लोपस लोप होकर तब्य बचेगा, और अनियर प्रत्यय में र का हलंतम से संज्ञा होकर तस्लोपस लोप होकर केवल अनि शेष बचेगा। क्या बचेगा? अनि। तब्यत में, तब्यत में तब्य तब्य जुड़ेगा और अनियर में अनिय जुड़ेगा धातुओं के बाद में। हम लोग कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ये धातु से सीधा जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। तब्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग योग चाहिए या योग्यता के अर्थ में होता है। तब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्यता के अर्थ में होता है। फिर से देख लें, तब्यत तब्यानियरा। इस सूत्र से धातु के ठीक बाद तब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तब्यत के तकार का लोप होकर केवल तब्य जुड़ता है, अनियर के रकार का लोप होकर केवल अनिय जुड़ता है। तब्यत और अनियर प्रत्ययों का विधान चाहिए या योग्यता के अर्थ में होता है, जिसे पढ़ना चाहिए या पढ़ने के योग्य हो, ऐसे अर्थ में तब्यत और अनियर प्रत्यय का विधान होता है। अब आगे देख लें, आगे देख लें ये चीजें, जैसे पठितव्यम पढ़ना चाहिए, पठनीयम पढ़ना चाहिए। इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। इसका इन प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ होता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में इनका प्रयोग नहीं होता, ऐसा समझिए। तब्यत और अनियर प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य के प्रयोग में लाए जाते हैं और कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे मया पठनीयम, मया पठितव्यम, मया पठनीयम और मया पठितव्यम, मुझे पढ़ना चाहिए और मेरे द्वारा पढ़ा जाता है या पढ़ने योग्य है, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड में कुछ जो है आपको अनियर प्रत्यय का उदाहरण दिखेगा। अनियर प्रत्यय और तब्यत प्रत्यय से बने हुए रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। तो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, पहला है कथ प्लस अनियर, कथनीय रा का लोप हो जाता है केवल अनिय जुड़ता है तो कथनीयम कथनीय बन जाएगा। फिर नपुंसक लिंग की विवक्षा में कथनीयम, पुल्लिंग की विवक्षा में कथनीय और स्त्रीलिंग की विवक्षा में कथनीया बनेगा। उसी तरह भू प्लस अनियर, भवनीयम भवनीया भवनीया, दृश प्लस अनियर, दर्शनीयम दर्शनीया दर्शनीया, पिनपठ प्लस अनियर, पठनीयम पठनीया और पठनीया, फिनपा प्लस अनियर, पानीयम पानीया पानीया, पिनक्री प्लस अनियर, करणीयम करणीया करणीया, फिनगम प्लस अनियर, गमनीयम गमनीया गमनीया, किनरम प्लस अनियर, रमणीयम रमणीया रमणीया, फिर हस प्लस अनियर, हसनीयम हसनीया हसनीया, ग्रह प्लस अनियर, घ्राणीयम घ्राणीया घ्राणीया,
स्था प्लस नियर स्थानियम स्थानिया स्थानिया, वच प्लस नियर वचनीयम वचनीया वचनीया, लिख प्लस नियर लेखनीयम लेखनीया लेखनीया, श्रु प्लस नियर श्रवणीयम श्रवणीया श्रवणीया। उसी तरह अन्य उदाहरण भी हैं, एक उदाहरण और देख लें। फिर श्रु प्लस नियर श्रवणीयम श्रवणीया श्रवणीया, फिर दा प्लस नियर दानीयम दानीया दानीया स्त्रीलिंग। तो अनियर प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं, कर्ता की जो इच्छा है जो विवक्षा है उसकी। उसी तरह जो है तब्यत का भी उदाहरण है, इसका भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में चलता है। तो क्रिया धातु से यदि तब्यत जुड़ा तो तब्यत का तब्य जुड़ता है कर्तव्य बना, फिर नपुंसकलिंग विवक्षा में कर्तव्यम, पुल्लिंग की विवक्षा में कर्तव्या, स्त्रीलिंग विवक्षा में कर्तव्या। फिन गम प्लस तब्यत गंतव्यम, नपुंसकलिंग की विवक्षा में फिन पुल्लिंग की गंतव्या और स्त्रीलिंग विवक्षा में गंतव्या। प्रच प्लस तब्यम पक्तव्यम पक्तव्या पक्तव्या। उसी तरह दृश प्लस तब्यम दृष्टव्यम दृष्टव्या और दृष्टव्या। फिन प्रच प्लस तब्यम पृष्टव्यम पृष्टव्या पृष्टव्या। भू प्लस तब्यम भवितव्यम भवितव्यम भवितव्या। फिर आगे देखिए और उदाहरण देख लें तब्यत का उदाहरण। स्था प्लस तब्यम स्थातव्यम, नपुंसकलिंग विवक्षा में पुल्लिंग विवक्षा में स्तभ्या और स्त्रीलिंग में स्तभ्या। फिर रुद प्लस तब्यम रोदितव्यम रोदितव्या रोदितव्या। नृत्यतव्यम नर्तितव्यम नर्तितव्या नर्तितव्या। पठ प्लस तब्यम पठितव्यम पठितव्या पठितव्या। लिख प्लस तब्यम लेखितव्यम लेखितव्या लेखितव्या। स्मर प्लस तब्यम स्मर्तव्यम स्मर्तव्या स्मर्तव्या। क्रिय प्लस तब्यम कर्तव्यम कर्तव्या कर्तव्या। गम प्लस तब्यम गंतव्या गंतव्या गंतव्या। श्रु प्लस तब्यम श्रोतव्यम श्रोतव्या श्रोतव्या। जी प्लस तब्यम जेतव्यम जेतव्या जेतव्या। द प्लस तब्यम दातव्यम दातव्या दातव्या। प प्लस तब्यम पातव्यम पातव्यम पातव्या। ज्ञा प्लस तब्यम ज्ञातव्यम ज्ञातव्या ज्ञातव्या। तो हम लोग तब्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ रहे थे। दोनों से बने शब्द भाववाच और कर्मवाच में प्रयोग किए जाते हैं, ये सीधा धातुओं से जुड़ते हैं। तब्यत का तब्य जुड़ता है, अनियर का अनिय जुड़ता है। ये तद्धित प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे थे। शीघ्र ही हम लोग ता और तवत प्रत्यय के साथ कल सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें, और यदि अन्य टॉपिकों की प्लेलिस्ट को देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।